दुनिया ने अप्लाई कर रखा है सारी दुनिया जो संग में है मजे कर रही है जीतता वही है जो संघ में रहता है ये बात अगर किसी कामेर रोज कंसेप्ट सुनना है रोज बताना है रोज सुनना है रोज बताना है ये दिमाग की खुराक है जैसे आप दो टाइम तीन टाइम खाना खाते हैं चाय पीते हैं नाश्ता करते हैं पेट की खुराक ले लेते हैं जैसे आपका शरीर चलता है वैसे ही अगर आप इस कंसेप्ट की खुराक को दिन में तीन बार नहीं लेंगे और तीन बार लोगों को नहीं देंगे तो आपके शरीर की खुराक खत्म हो जाएगी खाना नहीं मिलेगा आपको एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके पास खाना ही नहीं होगा इसलिए अगर खाना बरकरार रखना है तो ये काम पहले करना है अब इमरजेंसी का माहौल है और लगातार लगातार सबको करना है और अगर नहीं करेंगे तो करने लायक बचेंगे नहीं फिर करना भी चाहेंगे तो कर नहीं सकेंगे अभी जो युद्ध चल रहा है और जो संग्राम चल रहा है समर चल रहा है हमारे बीच में और उन लोगों के बीच में जिन्होंने हमारे सारे अधिकार लिए हुए हैं सारे अधिकार मतलब जितने भी मौके हैं वो सारे मौके वो हमारे लेके बैठे हुए हैं जैसे नौकरी के अंदर मौका होता है क्योंकि तो नौकरी हमारे पास है अब नौकरी के मौके नहीं है तो नौकरियां तो कहीं ना कहीं हैं काम तो कहीं ना कहीं इस देश में चल रहा है ऐसा तो है नहीं कि देश चलना बंद हो गया है तो काम हो रहा है काम बढ़ रहा है काम चल रहा है मगर हमको काम नहीं मिल रहा है काम का रूप बदल दिया है काम अब सरकारी ना हो के प्राइवेट है और प्राइवेट में हमारी जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार के नियम संविधान के नियम के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है और सरकार ने आरक्षण का नियम बहुत बार मांगा दिया भी नहीं हमारे जो लोग वहां बैठे हुए हैं उनको भी बहुत बार कहा बहुत सारे एजेंडों में ये मांग आई कि जो प्राइवेट सेक्टर है क्योंकि वो लोग देश की जमीन इस्तेमाल करते हैं देश का पानी इस्तेमाल करते हैं देश की करेंसी इस्तेमाल करते हैं देश का जो व्यक्ति स्कूलों में पढ़ के आता है उसको इस्तेमाल करते हैं देश के सारे रिसोर्सेज यानी स्रोत जितने भी हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसलिए चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो गैर सरकारी हैं उनको हर हालत में देश के सभी लोगों को बराबर हिस्सेदारी देते हुए वहां काम देना चाहिए और वहां उनको रोजगार देना चाहिए मगर प्राइवेट सेक्टरों ने किसी भी हालत में काम देने से मना कर दिया और सरकार ने कभी उन पे ना दबाव डाला ना ही नियम बनाया तो काम नहीं है काम खत्म है सारे, सारे सारे तो अभी जो युद्ध चल रहा है और जो झगड़ा चल रहा है वो झगड़ा बातों का है वाक युद्ध का है मतलब लोकतंत्र के अंदर जो लड़ाई चलती है वो मार पिटाई शस्त्रों से लट्ठों से बंदूकों से नहीं चलती है वो चलती है बातचीत से और बातचीत का मतलब है कि अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों के दिमाग तक पहुंचाना जितनी ज्यादा बात आप अधिकतर लोगों के दिमाग तक पहुंचा देंगे उतने लोग आपकी बात को समझेंगे जानेंगे और आपके साथ खड़े हो जाएंगे तो बहुमत हो जाएगा तो वो बात आपके लिए मानी जाएगी ये युद्ध है कि आप अपनी बात को कितने लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचा सकते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं मैं एक लेखकों के सम्मेलन में गया था उन्होंने मुझे बुलाया और वहां वो अभिव्यक्ति की आजादी पर सरकार को कोस रहे थे सारे लेखक अभिव्यक्ति की आजादी पर यही उनका टॉपिक था मेरा नंबर आया क्योंकि एक दो तो छोटी मोटी किताब मैंने बहुत पहले कभी लिखी थी अब तो मुझे किताब लिखना बेकार की बात लगता है किताबें सब बाबा साहब की और बुद्ध की बहुत लिखी पड़ी है वो पढ़ लें वही बहुत है नई नई किताबों का पढ़ के लिख के करना क्या है तो वहां मैंने उनसे कहा कि भाई अभिव्यक्ति की जो आजादी है जो अभिव्यक्ति का जो रोक है वो तो हजारों स्टेज पर होता है घर के अंदर होता है महिलाओं को नहीं बोलने दिया जाता लड़कियों को नहीं बोलने दिया जाता बच्चों को नहीं बोलने दिया जाता रिश्तेदारी में होता है जो बड़ा रिश्तेदार होता है वो नीचे नहीं बोलने दिया जाता तो अभिव्यक्ति की आबादी का एक ही पहलू देख रहे हो आप पूरा नहीं देख रहे हो फिर उससे बढ़कर मैंने वहां उनको यह बताया था कि सरकार आपको रोक नहीं रही है जो लोग ये सोचते हैं कि सरकार आपको विचार करने से या अभिव्यक्ति करने से रोक रही है वो गलत स्टेटमेंट है सरकार आपको उन बातों के लिए रोकती है जो सरकार के विरुद्ध में है आप सरकार के फेवर में बोल के देखिए आपको इनाम मिलेगा आप पे फूल बरसाए जाएंगे हेलीकॉप्टर घूमेंगे आपके ऊपर आप सरकार की वाहवा करके देखिए तो वाह करना भी अभिव्यक्ति की आजादी है और हाहा करना भी अभिव्यक्ति की आजादी है वो आपको हाहा नहीं करने देंगे हाहाकार नहीं मचाने देंगे कार मचाने से सरकारें चली जाती हैं क्योंकि तो लोगों के मन बदल जाते हैं इसीलिए जब भी कहीं कोई घटना या कोई बात होती है तो सबसे पहले अभिव्यक्ति की आजादी सरकार के खिलाफ ना हो सरकार उन माध्यमों को बंद कर देती है जिनसे यह अभिव्यक्ति की आजादी फैलती है और वो माध्यम क्या है दूर संचार के एयर के अब तो तार तारविटी काटनी पड़ती है अब तो हवा हवा में से सिर्फ सिग्नल काट दो सिग्नल कट गए तो आपके वहां जो घटना हो रही है होती रहे वो पूरी दुनिया में नहीं जाने वाली क्योंकि अब हवा से हवा में जो जानकारी है वो एक मिनट के अंदर पूरी दुनिया में फैल जाती है एक मिनट के अंदर फैल जाती है कहाँ भूकंप आया कहाँ मारा मारी हुई कहाँ युद्ध हुआ क्या कोई घटना हुई वो एक मिनट के अंदर वायरल हो जाती है इसलिए हवा से भी ज्यादा तेज जो बहता है वो अब समाचार बहता है वो जानकारी बहती है तो अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने के लिए खिलाफत में रोकने के लिए काम चलता है और अभिव्यक्ति जबरदस्ती करवाई जाती है यानी अभिव्यक्ति का बलात्कार भी होता है बलात्कार मतलब बल के साथ कार्य क्या बल के साथ कार्य होता है अभिव्यक्ति का कैसे बलात्कार होता है वो सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखेगा जो बलात्कार करेगा हर चीज पर उसका कंट्रोल होगा चाहे वो अखबार हो चाहे वो मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे टीवी हो चाहे रेडियो हो चाहे सभाएं हो और वहां जो लोग बोलेंगे और जो बोलना चाहेंगे वो अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते तो उनको सब्जेक्ट दिया जाएगा आपको इस बात पे बोलना है और ये बोलना है आप जस्ट जैसे मैकेनिकल स्पीकर होता है माइक होता है आप सिर्फ माइक हो बोलने के और कुछ नहीं हो मशीन हो आप रोबोट हो आपको कह दिया कि आपको बोलना है तो बस ये बोलना है इससे ज्यादा नहीं इसको बोलते हैं अभिव्यक्ति की आजादी का बलात्कार यानी अभिव्यक्ति का बलात्कार तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं अगर आप ध्यान दोगे और हम क्या बोलना चाहते हैं हमें जो सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं आपको बोलना है आरक्षण पर और आरक्षण पर भी ये बोलना है कि आरक्षण खराब है तो पूरा देश बोलता है आरक्षण खराब है आपको बोलना है जाति के ऊपर जाति छोटी बड़ी ये नहीं कहना है कि जाति खराब है जाति छोटी बड़ी और बड़ी जाति का कहना छोटी जाति मानती है ऐसा आपको बार 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 पिक्चरों में चारों तरफ आपके दिमाग में डर डाला जाएगा जितनी भारतीय पिक्चर है सबके अंदर जातिवाद है हर भारतीय पिक्चर के अंदर जो हीरो नायक नायक होते हैं वो ऊंची जाति के होते हैं और जो नीचे काम करने वाले हैं वो छोटी जाति के होते हैं उनके नाम उनकी जातियां बताते हैं तो आपको जाति की बात करनी है मगर जाति का विरोध नहीं करना है जाति को मानना है तो जाति की सिर्फ ऊंच और नीच की बातें आपको माध्यम और मीडिया के हिसाब से बातचीत करने के लिए तैयार करना है आपको वर्ग पे बोलना है और वर्गों की तारीफ करनी है आपको ये नहीं कहना है कि ये वर्ग खराब है खराब नहीं है उसके बारे में बोलना है आपको अंधविश्वास और पाखंड की पिक्चर देखनी है उन पर बोलना है उनके सी, सीर उनके सीरियल देखने हैं उनकी बातचीत करनी है उनकी बात में शामिल रहना है मगर ये नहीं कहना है कि अंधविश्वास और पाखंड नुकसान करते हैं ये नहीं बोलना है ये नहीं चलेगा सिर्फ उनको देखते रहें टीवी में सीरियल में और उनको आगे बढ़ाते रहें उन जैसा देखें उन जैसा हो जाए उन जैसा मन चले आपको गॉड पे बहुत बोलना है गॉड के बारे में सोचना है गौड़ जित्र करना है गौडी गॉड देखना है हर पिक्चर में हर जो भारतीय पिक्चर होती है उसमें गॉड की बड़ी महिमा दिखाते हैं गौडी गॉड होता चाहता है कई प्रकार का गॉड है जो आपको बार 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 दिखाया जाता है गॉड किसी प्रकार का हो आपको देखना है और जाना है आपको देशभक्ति के बारे में यश करना है कि तो आप देशभक्त हैं देशभक्ति के बारे में सुनना है और देशभक्ति की बातें करनी है आपको धर्म के बारे में सुनना है और जानना है धर्म का जो बात बता दी वो आपको करना है पढ़ना भी वही है अखबार में सुनना भी वही है टीवी पर देखना भी है आपको पाकिस्तान के बारे में बोलना है और पाकिस्तान एक दुश्मन है इसी के बारे में बोलना है कि पाकिस्तान क्या है ये एजेंडे हैं जो दिए जाते हैं यानी कि इन पे अभिव्यक्ति आपको करनी है और इस तरह से करनी है आपको दलित उत्पीड़न के बारे में सिर्फ देखना है जानना है और उनसे डरना है पर उसके विरोध में नहीं जाना है एस सी एक्ट टी बोलना है और जो आपके साथ में प्रताड़ना होती है उनको लगातार लगातार देखना है ताकि आप डरते रहें और आपको क्या व्यक्त नहीं करना है आपको संविधान में क्या लिखा है ये अभिव्यक्त नहीं करना है संविधान कौन से अधिकार देता है ये अभिव्यक्त नहीं करना है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कौन कौन से ह्यूमन राइट्स हैं इसके बारे में आपको बात नहीं करनी है इसको चर्चा नहीं करनी है डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाते समय वहां डिबेट की और जो वहां लोग बैठे उन्होंने जो यस किया है उनके बारे में बात नहीं करनी है आपने किसी भी हालत में अपने वेलफेयर की बात नहीं करनी है आपने किसी भी हालत में संघ की बात नहीं करनी है इकट्ठे होने की बात नहीं करनी है ये बातें बेकार की हैं इन पर चर्चा नहीं करनी है आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कितने अधिकार आपके चले गए कितने नहीं गए आपको रोजी मिली रोटी मिली कितने लोग मर गए कितने लोगों को दवा नहीं मिली कितने लोगों को खाना नहीं मिला पढ़ाई महंगी हो गई स्कूल बंद हो गए इन पर कोई बात नहीं करनी ये एजेंडा नहीं है तो एजेंडा यानी कार्य सूची उसी व्यक्ति की चलती है जिस आदमी का संग होता है ध्यान रखना आप बोलना भी चाहेंगे तो 10 20 दो सौ ढाई तीन सौ लोग बोलकर रह जाएंगे दो सौ अड़तीस लोग बोलते रहो आप बोलने का थोड़ा बहुत पानी तो हिलेगा मगर असरदार बाढ़ नहीं आएगी वो बाढ़ नहीं आएगी जो गंदगी को बहा के ले जाए तो जिसके संग होते हैं वो चाहे तो पत्थरों को दूध पिला सकता है एक घंटे के अंदर देश में भी और विदेश में भी जिसके संग होते हैं वो चाहे तो ये कह सकता है कि नमक की शॉर्टेज होने वाली है नमक खरीदो भाई और नमक मार्केट से गायब हो जाएगा एक घंटे के अंदर जिसके संग होते हैं वो कोई भी निगेटिव खबर को फैलाकर पॉजिटिव कर सकता है जिसके संग होते हैं वो कोई भी खबर की चर्चा बना सकता है जिसके संग होते हैं वो कोई भी गलत बात बोलेगा उसको सब लोग फैला देते हैं और जिसके संग नहीं होते वो बाबा साहब की बातों को कितना ही रोता रहे कितना पीटता रहे कितना चिल्लाता रहे कितना ही वीडियो बनाता रहे वो नहीं चलती भाई उसको सब रोक देते हैं और जिसकी बात रुक जाती है वो लोगों के मत को नहीं बदल सकता तो क्योंकि बात तो पहुंच ही नहीं तो लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है होना क्या है तो बात रुक गई तो बात के युद्ध हैं वाक युद्ध हैं आज के समय वक्तव्य के युद्ध हैं और इसी वक्तव्य के आप वक्ता हो जिसको अंग्रेजी में स्पोक कहते हैं तो आपका काम क्या है आपका काम प्रचार का है तो 24 घंटे प्रचार करना है नहीं है तो उससे सीख लो जो पान की दुकान पर खड़े होकर भी कहता है फलाना होगा ऐसा होगा ऐसा जाएगा ऐसा आएगा जो ठेले पे खड़ा होकर सब्जी खरीदता है और सब्जी खरीदते समय भी अपने प्रचार प्रसार के कार्यक्रम लगा रहता है तो उससे समझ लो कि जो नाई की दुकान पर जाता है तो नाई की कैंची के साथ साथ तो उसका मन बदल के आ जाता है तो उससे सीख लो कि जब वो कहीं किसी बात के लिए आपके पास आता है तो काम अपना करता है प्रचार किसी और का करता है और वो दो चार सेंटेंस छोड़ के जाता है तो उससे सीख लो कि जो किसी को मज काम देता है दुकान पर मजदूरी बनाकर ला जाता है तो उससे सीख लो जो दफ्तर में बड़े बड़े लोग हैं जो नीचे सबर्डिनेट स्टाफ है बैठा हुआ उसका कैसा मन बदलते हैं तो उससे सीख लो कि जहां बिना मतलब के कोई आदमी आकर अपनी बात कह के चला जाता है ये टैक्टिस और ये गुण आपके अंदर पहले से थे अभी-अभी गिल जी बता के गए थे बड़ा अच्छा वक्तव्य है मगर हमारे लोगों में एक दिक्कत है कि सत्तर साल से एक आदत पड़ी हुई है और वो आदत उनको जबरदस्ती उनके दिमाग पर ठोची गई है बताई गई है वो आदत ये है कि हमारे लोग ये कहते हैं कि हम पहले गुलाम थे पहले हमारे साथ उत्पीड़न था हम बड़े गरीब थे हमारी हालत बड़ी खराब थी हम ऐसे थे हमारे पास खाने को रोटी नहीं पहनने को कपड़ा नहीं हम अनपढ़ थे कितने उत्पन्न थे वो तो बाबा साहब आए तो हमको बाबा साहब ने सब कुछ दिया हम बाबा साहब की बड़ी बड़ी हैं पिक्चर इंटरवल से उठाते हैं सब लोग हमारे हमारे आर एस गिल साहब ने भी क्योंकि सत्तर साल से जो सिखाया है वो जाना बड़ा देर लगती है पिक्चर को इंटरवल से नहीं उठाना है पिक्चर को टाइम से पहले आके देखना है और आके देखो बुद्ध से पहले क्या हुआ बुद्ध से पहले देखोगे तो राजा हम सेनापति हम पढ़ाने वाले हम पढ़ैया हम डॉक्टर हम जीवक जैसे डॉक्टर हमारे तकसरा जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ पढ़ के आ रहे हैं बुद्ध का इलाज कर रहे हैं इंजीनियर हम सेनापति हम तो हमारी महिलाएं वो खेतों में काम करने वाली शिकार करने वाली और ऊपर से सारा का सारा धम्म ज्ञान दुनिया में तो सती है सती स्मृति सब कुछ बताने वाली हमारी महिलाएं हैं हमारे बच्चे ज्ञानी सारे धनु धनुष बनाने वाले धनुष चलाने वाले जानवरों को मारने वाले शिकार करने वाले खाल लाने वाले खाल कोड़ने वाले बिछाने वाले ऐसे हमारे लोग और याचकों को दान देने वाले जो बमण आता था याचक हमारे दरवाजे तो उसको दान देने वाले यानी कि हम अमीर लोग तो कहानी वहां से स्टार्ट करेंगे तो अशोक के समय राजा बन जाओगे तो सेनापति बन जाओगे तो बने तो, कब तक बने रहोगे अशोक के बाद से लेके अब तक पंद्रह सौ सत्रह साल तक बने रहोगे तो जब ये काल्पनिक कहानी आई तभी तो कहानी खराब हुई जब संघ चला गया पहले तो संघ था तो पहले संघ था तो तब जो रॉयल लाइफ थी हमारी जो हमारी शाही जीवन था वहां से शुरू करना चाहिए ना हम राजा हैं हम सम्राट अशोक की संतान है जिसने महाभारत बनाया हम बुद्ध की संतान है जो विश्व गुरु है वहां से शुरू करना चाहिए इतिहास को इंटरवल से स्टार्ट करोगे तो दैनीय रहोगे अगर अपने आप को दलित घोषित करोगे तो जीवन भर दलित रहोगे बच्चे कहेंगे हम तो दलित ही है और जब अपने आप को कहोगे कि राजा अशोक की संतान है और भगवान बुद्ध के विश्व गुरु के बच्चे हैं तो कितना बड़ा खिताब है दुनिया का नोबेल पुरस्कार जू तो मैं है विश्व गुरु के आगे बाबा साहब के आगे नोबेल पुरस्कार जूतों में है इतने बड़े बड़े पुरस्कार है हमारे पास में इतने बड़ी बड़ी नॉलेज है तो वहां से शुरू करना चाहिए तो वहां से बोलना चाहिए आप स्पोक हो तो प्रवक्ता होते हो तो वहां से कहानी स्टार्ट करें कि 100 200 400 500 पांच साल की कहानी है तो खत्म कर देंगे हम 70 साल में कितनी बदल दी हमने एक मौका मिला तो तीन पीढ़ी पड़ गई अब थोड़ी आफत आ गई है मुसीबत आ गई है कोई बात नहीं अब संग भी तो आ गया है अगर मुसीबत आई है तो क्या इलाज नहीं आया हमारे पास में मुसीबत आई है बड़ी मुसीबत है तो इलाज उससे भी बड़ा है सारी दुनिया ने अप्लाई कर रखा है सारी दुनिया जो संघ में है मजे कर रही है जीतता वही है जो संघ में रहता है ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो भारत का आज का सीन्य उठा के देख लो इतने इतने महान पंडित राजनीतिक इतने बड़े बड़ बड़े लोग जानकार इतने बड़े बड़ बड़े कलाकार इतने बड़े बड़े डॉक्टर इतने बड़े बड़े पीएचडी क्या कहते हैं चुनाव हुआ है तो उसमें ये आएंगे वो आएंगे वो आएंगे और किसी ने ये बात नहीं जानी अरे जिसका संघ मजबूत है वो आएगा जिसका संघ है वो आएगा और हर बार आएगा तुम्हारा क्या संघ है तुम तो छोटे छोटे टुकड़ियां लेके घूम रहे हो सेना की मेरी टुकड़ी में चार आदमी मेरी टुकड़ी में पांच आदमी मेरी टुकड़ी में सात आदमी मेरे ग्रुप में तीन आदमी मेरे ग्रुप में यह आदमी उनतीस लाख टुकड़े हैं तुम्हारे तो तुम्हारी ना ब्रिगेड है ना कमान है तुम कहा कि सेनापति हो भाई तुम्हारी तो सेना ही नहीं है तुम तो ग्रुप पति हो ग्रुप छोटे 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 तीन आदमियों के पति तीन आदमी हो सेनापति दो आदमियों हो सेनापति तो शर्म से डूब के तो मरोगे नहीं कितनी बार बताया कितनी बार कहा भाई इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे हो जाओ समझ सकती है मगर इतने बेसरम आदमी हो सारे के सारे हमको डुबा दिया हमको मरवा दिया पैसा मिलता है ना समाज से पैसा मिलता है अब चौदह अप्रैल आ रही है पटकियां छपकियां खूब कट रही हैं दबा के और लोग काट रहे हैं तो आप जो प्रचारक हो आप जो प्रवक्ता हो आप जो बुद्ध के और जो मह, महापुरुषों के और जो समर्थ संघ के जो आप स्क बने हुए तो आप क्या कर रहे हो लग जाओ फोन पे उठाओ वीडियो बनाओ वीडियो सनातन लोगों को बताओ भाई पर्ची मत कटवाना आपके जन्मदिन मनाना है तो जन्मदिन एक साथ एक पार्क में एक जगह में मनाना है अपनी रोटी लेके आनी और हमको टेंट नहीं चाहिए हम तो पेड़ की छाया में बैठ जाएंगे या सुबह सुबह आ जाएंगे या शाम को आ जाएंगे और एक ही जगह जाना है और एक पर्ची नहीं कटवानी है जन्मदिन पे कौन लेता है पैसे भाई कौन सा महापुरुष है जी वो कहता है कि पैसे लेके जन्मदिन बनाना क्या हलवा पूरी खाने आएंगे वहां या मुसीबत आ रही है वहां हलवा पूड़ी बन रहा है हलवा पूड़ी बाद में खा लेना जब बच जाओ अभी इमरजेंसी आ रही है अभी इकट्ठे हो जाओ इतने हैलवे पुरी खाए खा खा के जो भैंस जैसी तोंद हो गई है इसका क्या करोगे ये रहेगी नहीं किसी काम की अगर इकट्ठे नहीं हो कैसे बचाओगे बच्चों को तो संघ में आना चाहिए तो संघ को देखना चाहिए अरे इस संघ में नहीं आते हो तो संघ को देखो तो अपना बना लो भाई ये सारे सारे उठ के वहां जाएंगे नियम तो वही रहेंगे नियम नहीं बदलेंगे संघ तो एक ही रहेगा यहां दिक्कत आ रही है यहाँ यहाँ शर्म आ रही है यहां आने में दिक्कत आ रही तो बताओ कहाँ आना है ये सारे उठ के चले जाएंगे तो समर संगी है इनका तो एक ही मकसद है जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है या तो तू आ जाए जुड़ने के लिए यहां यहाँ हम आ जाते हैं भाई जुड़ेंगे तो तभी ना जब दोनों पास पास आएंगे तो बता कैसे करना है यहाँ बुलाते हैं सभी को बुलाते हैं नेताओं को बुलाते हैं आप भी बुलाओ नेताओं को आ जाओ भाई जुड़ने के लिए आते हो तो आ जाओ नहीं बताओ कहाँ जाना है हमारे तो सारे लोग जुड़ने के लिए फेविकोल लेकर जेम में डिब्बी लेकर तैयार घूमते रहते हैं जितने भी समर संगी है सबके पास फेविकोल डिब्बी है बता कहाँ चिपकाना है अभी चिपका के अभी जोड़ लेते हैं अभी चिपका के अभी जोड़ लेते हैं हमें तो जुड़ना है क्योंकि हमें बचना है हमें पता है कि हम जब जुड़ेंगे तब नहीं। तुम्हें पता नहीं है भाई इसलिए ये जितने भी लोग हैं जो बाबा साहब का जमीन बना के पर्ची पर्ची लेके घूम रहे हैं इनको फोन कर करके सारे लोगों को रिश्तेदारों को बोलो पर्ची मत कटवाना भाई इसका प्रचार करो कि हमको इकट्ठा होना है बाबा साहब ने हमको ऑर्गेनाइज होने के लिए कहा है बाबा साहब ने हमको पर्ची कटवाने के लिए नहीं कहा ये पर्ची कटवाने का बीमारी कहाँ से आया कौन लेके आया ये पर्चियां तो वो लोग काटते थे जो याचक थे जो याचना करते थे जो हमारे दरवाजे पर मांगने आते थे वो पर्ची काटते थे पहले याचक थे फिर उन्होंने पर्चियां उठा ली और तुम भी याचक हो गए तुम भी भिखारी हो गए उनकी देखा देखी ऐसे दिन आ गए ये बात उनको बतानी चाहिए ये बात उनको कहनी चाहिए अगर ये बात कहने में सफल नहीं हुए तो जिंदगी असफल हो जाएगी बच्चों की अगर हम ये बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे तो जिंदगी में बच्चे नाकामयाब हो जाएंगे फिर अफसोस करने के अलावा आपके पास कुछ बचेगा नहीं और ऐसी स्थिति में आप आ जाओगे कि कुछ कर नहीं पाओगे तो कुछ करना है तो एक ही काम करना है जुड़ना है जोड़ना है, है जुड़ना है जोड़ना है जुड़ना है जोड़ना है जिसके परिवार और कुनवे जुड़ जाते हैं उसकी सारी मुसीबतें चली जाती हैं टल जाती हैं जिसका समाज जुड़ जाता है जिसका संग बन जाता है वो जीवन में कभी नहीं हारता इसके उदाहरण देश में देखो देश के बाहर देखो मुसलमानों के देखो या सिखों के देखो या ईसाइयों के देखो या जिन लोगों ने जहां जहां छोटे मोटे संघ बना के रह रहे हैं वो देखो एकता में कितनी ताकत है और लोग कितने सुखी हैं हम तो वैसे भी 120 करोड़ हैं क्योंकि हम समर् हैं पैदाइशी समर्ण संगी लोग हैं और जो लोग अभी एक्टिव नहीं है अगर एक्टिव लोगों की बात है तो, तो वो भी बीस तीस करोड़ है इतने तो बहुत होते हैं इतने लोग तो किसी देश में नहीं होते इतने सारे देश हैं बीस तीस करोड़ लोग तो देश में भी नहीं होते तो इकट्ठे होने में आफत क्या आ रही है कौन रोक रहा है जो रोक रहा है उसको छोड़ दो तो, तो क्योंकि उसको छोड़ोगे नहीं तो इकट्ठे नहीं हो पाओगे और इकट्ठे नहीं हो पाओगे तो बच नहीं पाओगे और जिसने पकड़ के रख रखा है उसे पूछो कि इकट्ठे होने में दिक्कत क्या है अगर हम सारे इकट्ठे हैं तू भी चले इकट्ठा होने के लिए या तू सबको इकट्ठा कर ले कहीं तो टिक कहीं तो रुक कहीं तो बात को सुन कहीं तो बात को मान या अभी भी नेतागिरी करेगा या अभी भी वही पंचायत लगाएगा क्योंकि तो श्रवण संघ में नेतागिरी नहीं है या व्यक्तिवाद नहीं है समर संघ से अच्छा कंसेप्ट अभी तक समर संघ से अच्छी बातें अभी तक कहीं नहीं है किसी के पास हम खूब ट्राई करते हैं आज मुझे एक ऐसा बंदा मिला जिसने समर संघ की कोई वीडियो सुनी होगी और उसने ये कहा कि ये कंसेप्ट जो समर संघ का है अगर ये वास्तव में पुराना और हमारा है तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं कि अभी तक हम इससे दूर क्यों रहे जब आदमी ये स्वीकार करता है कि वो बहुत बड़ा मूर्ख है कि वो दूर क्यों रहा तो उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है गलती पहचान रहा है अपनी मान रहा है कोई शर्म नहीं है कोई झिझक नहीं है गलती मानने में सामाजिक गलती है जब संघ का कंसेप्ट आया ही नहीं तो वो देखता भी क्या अब आ गया है और आने के बाद ना देखे और ना इसमें आए तो उसको क्या कहेंगे क्या कहेंगे उसको जो अपने सर पे खुद ही अपने हाथ से अपना हथौड़ा मार के अपना सर फोड़े उसको क्या कहेंगे इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस कंसेप्ट को बताना है और हमारा यही काम है यही काम है इसको बहुत तेजी से बताना है इसका प्रचार प्रसार करना है प्रचार प्रसार करना जुड़ने और जोड़ने की बचने की और बचाने की और बच्चों को बचाने की गारंटी है गारंटी अगर प्रचार प्रसार आपने नहीं किया आप सही में अगर इसके वक्ता नहीं बने सही में स्टोक नहीं बने खाली नाम लेके स्ो बने तो फिर बचने की गारंटी खत्म हो जाती है क्योंकि बुद्ध कहते हैं कारण से परिणाम आते हैं फिर परिणाम से कारण आता है फिर कारण से परिणाम आता है ये चैन है करोगे तो जीतोगे जीतोगे तो करोगे करोगे तो जीतोगे जीतोगे जीतो तो करोगे तो करना पड़ेगा जीतना पड़ेगा, पड़ेगा फिर करना पड़ेगा फिर जीतना पड़ेगा ये चैन है ये रुक नहीं सकती ऐसा नहीं हो सकता कि हम दो सौ इकतीस लोग यहां बैठ के इकट्ठे हो गए तो उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर परिणाम उतना ही आएगा दो सौ इकतीस बस दो सौ इकतीस में तो कल्याण नहीं होता कल्याण तो हमारा दो तीन करोड़ से कम में होने वाला है नहीं और दो तीन करोड़ के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर मेहनत नहीं करे करेंगे तो इस बार बाबा साहब नहीं आने वाले इस बार बुद्ध नहीं आने वाले बुद्ध ने कह दिया कि मैं अपने धम्म में रहता हूं देख लेना जब मुझे मिलना हो तो धम्म को देख लेना और बाबा साहब ने कह दिया है कि जब उनसे उन मिलना हो तो ऑर्गेनाइज हो जाना तो एजुटेट करना तो एजुकेट हो जाना साफ साफ कहा हुआ है अगर बाबा साहब से मिलना है तो संघ बना लो ऑर्गेनाइज बना लो बाबा साहब सामने दिखाई देंगे आपको चौदह अप्रैल आ रहा है जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें और जहां जहां लोग मीटिंग लगवा सकते हैं मीटिंग लगवाएं मीटिंग लगने का सिलसिला कुछ कम दिखाई दे रहा है जो पुरानी मीटिंग है उन मीटिंगों की तो तैयारी तु हो गई है मगर जो जून में जुलाई में अगस्त में मीटिंग लगने वाली है उनकी डेट नहीं आ रही है जब तक उनकी डेट नहीं, उनकी डेट नहीं आएंगी आपका रुकने रुकने आपका जुड़ने जुड़ने का कार्यक्रम रुका पड़ा है काम आगे नहीं बढ़ेगा इसलिए जो लोग हो सके यहाँ अपनी डेट बता दें जो लोग हो सके कैसे जुड़ रहे हैं वो बता दें किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो बता दें पैसा समर्थन कभी लेता नहीं तो इसलिए पैसे की कोई दिक्कत है नहीं रोटी अपनी लेके आते हैं चार रोटी में छह रोटी में कहीं कोई टोटा है नहीं अपने किराए से आते हैं इसलिए भीख मांगनी है नहीं नीचे चादर पे बैठना है इसलिए टेंट का खर्चा है नहीं जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाएंगे इसलिए कोई समस्या नहीं है सारे भाई फोन पे है फोन सबके पास है इसलिए वहां भी कोई समस्या नहीं है समस्या सिर्फ मन के अंदर है मन को ठीक कर लीजिए मन को जुड़ने जोड़ने का बना लीजिए रास्ते अपने आप निकल जाएंगे दुनिया की कोई ताकत आपके सुख को रोक नहीं सकती सुख आपके और आपके बच्चों का इंतजार कर रहा है सिर्फ जुड़ कर जाना है क्योंकि संविधान उसी को सुख देता है जो जुड़ के आता है जो इकट्ठे होकर आता है जो बहुमत में होकर आता है और जो बहुमत में होकर नहीं आता वो अकेला घूमता रहता है और अकेला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता अगर होने होते तो बहुत पहले हो जाते ये सारे अलग अलग घूम रहे हैं इनमें से कोई कामयाब नहीं हुआ इसलिए इकट्ठे होने के अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं है जिद्द हमारी इकट्ठे होने की है जिद्द हमारी जुड़ने की है जिद्द हमारी जीतने की है और ये जित इतनी मजबूत इतनी पावरफुल है और अब तो ये बहुत तेजी से बढ़ती भी जा रही है क्योंकि हमारा जो लोगों के साथ में मिलना जुलना है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है जीतने की घड़ी हमारी बहुत जल्दी आ जाएगी अगर हम बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे धन्यवाद इस समर्थ संघ में हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं जो भी दिन जिनदात में काम कर रहे हैं वो सभी लोग निस्वार्थ हैं और किसी भी स्वार्थ के वसीबित होकर कोई काम नहीं कर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही दर्द है और एक ही मकसद है कि हम इकट्ठा हो जाएं हम जितना जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे उतना जल्दी जीत जाएंगे उतना जल्दी हम अपने सारे हक और अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे क्योंकि समण संघ का उद्देश्य ही बहुत बड़ा उद्देश्य है सभी को सुख प्राप्त कराना सुख प्राप्त करना और सुख कौन सा है सुख वही सुख जो हमारा पुरातन समय में पुराने समय में संघ में रहकर प्राप्त सभी सभी को होता था तो वही सुख दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारा खत्म हो चुका है समन संघ बहुत ही तेजी से काम कर रहा है लोग आकर कहते हैं कि भाई समन संघ जो है इकट्ठा होकर करेगा क्या एक बड़ा क्वेश्चन है कि इकट्ठा होकर करेगा क्या तो मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि भाई जब आप स्वार्थी लोगों के लिए इकट्ठा होते हो एक नेता है वो चुनाव लड़ता है और उसके साथ में लाखों लोगों की भीड़ जिसका कोई अपना मकसद नहीं होता और उसके पीछे 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 जो है पागलों की तरह वो घूमते हैं क्या आप लोग अपने लिए इकट्ठा नहीं हो सकते आप एक नेता के लिए इकट्ठा हो सकते हो एक संगठन के पदाधिकारी लिए इकट्ठा हो सकते हो अरे एक बार अपने लिए इकट्ठा होकर तो देखिए फिर देखते हैं आपके अधिकार कैसे कैसे नहीं बचते कैसे आपके जो आपके साथ में दुनिया भर के अब ये सब चल रहा है दुनिया भर के जो सब अब हो रही है सब ये मारपीट लूट पाट बहन बेटियों के साथ में अच्छा बुरा हो रहा है वो सब बचेगा आपका दरअसल में हम सब लोग इकट्ठा होने की ताकत को आज तक समझे ही नहीं हमने आज तक दूसरों के लिए इकट्ठे होते आए हैं अगर हम अपने लोग इकट्ठा होंगे तो हमारे सारे अधिकार बचेंगे और समर्थ संघ का उद्देश्य भी यही है कि अभी हम लोग जल्दी जल्दी इकट्ठा हों और अपने हक और अधिकार बचाएं। समरण संघ के बहुत सारे अपने नियम भी हैं जैसे कि समरण संघ चंदा या कोई शुल्क नहीं लेता वास्तव में समर संघ का कोई चंदा पर्ची या कोई शुल्क नहीं है यहाँ जो भी काम होता है उसमें निःशुल्क होता है ना इसका कोई अपना कोई खाता है समर्थ संघ किसी भी ना ही किसी सहकर राजनीति में जाएगा ना ही कोई राजनीति भागीदारी लेगा हाँ समर्थ संघ से अगर कोई बाहर जाकर राजनीति कर सकता तो अवश्य करे कोई परहेज नहीं है और समर्थ संघ उसके साथ है इसका कोई नेता कोई संस्थापक या निर्माता निर्माता पदाधिकारी या कार्यकर्ता भी नहीं होगा क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि संविधान इसका नेता है संविधान के द्वारा ही समर्थन चलता है जो उसके नियम है उसके द्वारा ही इसमें फॉलो होते हैं समर्ण संघ का जो अपना मीटिंग का जो मीटिंग होती है हमारी उसके भी अलग अलग तरीके हैं जैसे कि मीटिंग हम जब करते हैं तो मीटिंग में सभी साथी अपने वाहन से आते हैं और वाहन में भी कोई अकेला नहीं चलता चार या पांच लोग जितनी भी उसकी क्षमता होती है सब शेयरिंग करके आते हैं खाना भी अपने साथ लेकर आते हैं जो दरी या गद्दों का खर्चा होता है वो भी सब लोग अपना सम करते हैं तो यहाँ उसका भी कोई अपना कोई खर्चा नहीं है सभी मिल मिल बांट कर खाते हैं और अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं समर्थन को बढ़ाने के लिए सभी को इकट्ठा करने के लिए सभी लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं यहाँ कोई मंच या मा मंच माला माइक या कोई वीआईपी कल्चर नहीं है यहाँ सभी लोग समान हैं क्योंकि चाहे कोई नेता हो चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो यहाँ सब लोग समान हैं छोटा कार्यकर्ता भी उतना ही वैल्यू रखता है और बड़ा भी इतना वैल्यू रखता है जोड़ने का जो तरीका है वो बहुत आसान है पहले हम खुद जुड़ें उसके बाद जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको जोड़ें अपने घर से जोड़ें, जितने अपने मित्र हैं मित्र मंडली हैं उनको जोड़ें, और सभी को जोड़ते हुए जो इसके कंसेप्ट को समझ जाता है विद पीपल को समझ जाता है उसको स्पोक बनाया बनाया जाता है जो एक छोटा सा प्रमोशन है और उसको फिर अपने दस अपने जैसे दस लोग तैयार करने होते हैं इसी तरह से जो दस दस का क्रम है वो पूरा करना होता है सभी को और दस लोग को ज्यादा नहीं है दस लोग आराम से व्यक्ति जोड़ सकता है अगर जो चाहे विदा पीपल आज की डेट में बहुत ही अच्छे गति पर है समन संघ हमारा 18 स्टेट में फैल चुका है बहुत तेजी से काम भी कर रहा है बहुत सारी फिजिकल मीटिंग्स भी लगनी शुरू हो गई हैं अभी सत्ताईस अप्रैल को गढ़ मुक्तेश्वर में है मीटिंग जिसमें आप सभी को आना है सत्ताईस मार्च को सॉरी और दो अप्रैल को नागपुर में है पंद्रह मई की हमारी एक हजार स्पोक की जो मीटिंग है वो दिल्ली में होगी जिसमें सभी लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और दस अप्रैल को दो मीटिंग हमारी मेरठ में है मेरठ और मुजफ्फरनगर में है इनके लिए हमें एक काम और करना है कि जितनी जल्दी हम हो सके अधिक से अधिक स्पोक आगे आए जितने अच्छे हमारे प्रवक्ता होंगे लोग कंसर्ट को बताने वाले होंगे उतना अच्छा होगा चूंकि अब सभी शहरों में मीटिंग लगनी शुरू हो गई है और लोगों को कंसर्ट बताने के लिए हमें प्रवक्ताओं की आवश्यकता है इसलिए अधिक से अधिक प्रवक्ता बने इसके स्पोक्स बने और वो अधिक से अधिक काम करें गांव-गांव जाकर काम करें शहर शहर जाकर काम करें जामुले सर की तरह घर घर जाकर काम करें तभी हम अच्छी तरह जुड़ सकते हैं और अच्छी तरह हम प्रोग्रेस कर सकते हैं जितना जल्दी हम इस काम को कर लेंगे उतना जल्दी हम अपने विदा पीपल को पूरे भारत में फैला सकते हैं और जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना अच्छा उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे चूंकि संघ का अपना एक जैसे कि जुड़ेंगे जीतेंगे जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे तो इसको चरितार्थ करते हुए जितनी जल्दी हम जिस शहर में जुड़ेंगे उस शहर को जीत लेंगे पूरे भारत में जुड़ेंगे तो पूरे भारत को जीत लेंगे तो मेरा आप सभी से विनती है मेरी विनती है सभी से कि आप जितनी जल्दी जुड़ें उतना अच्छा होगा धन्यवाद आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं आप अपने फेसबुक पे अपने पेज पे अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन ले लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूंजी आपकी है धन्यवाद Single, single, big time.